I'm really sorry. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
आप तशरीफ रखते हैं। फिर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस एटमोसफियर की तस्वीर शूट कर लूं। जरूर दीदी जरूर, बड़े शौक से। थैंक यू प्लीज साहब, थैंक यू। आप तशरीफ रखें बाबा लोग। आई एम नॉट बाबा लोग, मेरा नाम रहमानी। हम हर रिश्तेदार बाबे को इसी नाम से पुकारते हैं बाबा लोग। हम तालीम याफ्ता लोग जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधी और खरी बात मुंह पर कर देते हैं। मुनाफ़त नहीं आती हमें और नहीं हम आप लोगों की तरह दर्द देते फिरते हैं अखलाकियात पर, सरमनाइजिंग एवरीथिंग। हम तो सीधी बात करते हैं, हमारे दिल में इंसानियत की कदर हो। हमारे नजदीक दुनिया की अजीम तरीन चीज इंसान, इंसान। और अगर इंसान ने मेरे ख्याल है लेट्स लीव इट, छोड़े लेट्स फॉरगेट इट। फरमाए रहमानी साहब फरमाए, आपकी बातों में हक बोलता है, बेशक बोलता है, हक हक बोलता है। हस्ती सती जलना मांगी करती है ना, पूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा आप इस इलाके के पीर हैं? नहीं जनाब, हम तो इस इलाके के खातिम। पीर तो मेरे हजरत, मेरे मुर्शिद वली कामल हजरत साईं खुदा बख्श साहब। तो आप उनके खलीफा हैं? नहीं जनाब, हम तो उनके भी खादिम। उनके खलीफा तो बड़े कामिल और काबिल लोग हैं, बड़े बड़े दूर मुल्कों में फैले हुए। नाम साईं जी। वालेकुम सलाम। साईं जी अम्मा कहते हैं बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अरे बेटा जी। जी बाबा जी। ये इसके कटोरे में बोटी डाल दे सुगरा बीबी के। अच्छा साईं। क्या बेटा? आओ बेटे आओ। अरे चाचा से जाके दे। आओ बेटे आओ आओ आओ। तो ये डेरा आपका है? मेरे मुर्शिद पाक का डेरा है बाबा लोगों, हजरत साईं खुदा बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह। सुभान। तो गद्दी तो आप ही के पास हुई ना? गद्दी कुत्ती कोई नहीं बाबा लोगों, ये सब अमर की बात है, आर्डर की बात है। मैंने तो पक्का वीजा बनवा लिया था मदीने शरीफ का, मुस्तकिल। हुजूर साईं साहब को हुक्म हो गया कि मखलूक खुदा के साथ रहो, डेरे के इंतजाम करो, आए गए को रोटी पानी पूछो। बस अमर हो गया और सफर रह गया। अमर हो गया और सफर रह गया। हाँ बाबा लोग, और यहाँ ड्यूटी देने का हुक्म हो गया। तो यहाँ आप काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं बाबा लोग, हमने क्या काम करना है, बस ड्यूटी देते। नहीं नहीं नहीं, ये आप यहां कोई काम ही नहीं करते तो फिर ये जिंदा कैसे रहते हैं? बस ये आपके सामने है ना, अगर पूरे जिंदा नहीं है तो थोड़े बहुत तो जिंदा है। फिर साईं, ये मेरा नाम साईं राहत अली है बाबा लोग। साईं जी, साईं जी। जी जनाब। छोड़ें, बस करें,
छोड़ दें इस रहबानियत को। लेकिन मत दें इन गरीब बेचारे ये सेहतमंद और अच्छे खासे लोगों को ये मत दें दरस ये अलग रहने का तरकीब दुनिया का स्टेटस क्यू में रहने ना गलत बात। इस कौम पर पहले ही बड़ा जुल्म हो चुका है, इसे माफ कर दें इन्हें कुछ काम करने दें। माफी तो बल्कि हम आपसे मांगते हैं हजरत जी। जी हमसे किस बात की माफ? हम छोटे लोग हैं, कम इलम बेहतर याफ्ता, माफी हम ही मांगे ना, दुनिया का दस्तूर जो हुआ। लेकिन इस बार ना जी आप सचमुच हमें माफ कर दें। भी हम किस बात का हम क्यों माफ कर दें, क्या किस बात पर? हम जाहिल और अनपढ़ लोग हैं जनाबे अली, और जहालत ही हमारा सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन हमने इल्म को कबूल करने से कभी इनकार तो नहीं किया। बाजी आप हमको ये बेचारे अनपढ़ जाहिल पसमानदा लिखने की बजाय आप हमारा जिक्र करना ही बंद कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। जिक्र करना बंद कर दें क्या मतलब? जिक्र करना, तकरीर करना हजरत जी, हमारे बारे में मजमून छापना कि ये गरीब अनपढ़ जाहिल तकियानूस तवाहम प्रस्त और पसमानदा होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, हमारी खता है, जरूर खता है, लेकिन हमको माफ कर दें जी खुले दिल के साथ, और हमें शर्मिंदा ना किया करें जी सारी दुनिया के सामने। नहीं, हम क्यों शर्मिंदा करेंगे आपको? क्यों? आप इलम वाले, आप फजल वाले, आप ऊंचे दर्जे वाले, या तो आप हमारे पास आकर हमें हाथ से पकड़कर जमीन से उठाएं जी, और हमारी गर्द चाड़े, हमें जप्पी डालें, नहीं तो हमें माफ कर दें जी और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। बेहतर तो यही है जी कि आप हमें माफी कर दें। नहीं नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे हाल पर भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे, और ना ही जप्पी डालेंगे जी अपना समझ कर। नहीं नहीं, हम तुम्हें अकल सिखाएं, अकल हमारे पास रहकर हमें अकल सिखाएगी, हमारे दरमियान रहकर। नहीं, तुमसे दूर भी रहना है, तुमसे अलग भी रहना है, और तुम्हें अकल भी सिखानी। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, जल्दी डालें। देखिए लड़के, देखिए कैसे खूबसूरत कैलीग्राफिस्ट हैं। सुभानअल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लिखा है ना। आपने लिखा है ये? जी भाई, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद यूसुफ रकम। तो भाई इतना अच्छा लिखते हैं आप, तो जाइए किसी बड़े शहर में, लाहौर कराची वगैरह में जाइए, जहाँ आपकी कदर भी हो। कदर तो इनकी यहाँ भी बहुत है बाबा दोस्त। नहीं नहीं, कदर से मेरी मुराद इनकम की है। ऐसी कदर का क्या फायदा जहाँ इंसान को अपनी मेहनत का इफ़्ज़ाना ही ना मिलता। इफ़्ज़ाना तो यहाँ भी पूरा मिलता है जी, लाहौर और कराची से पब्लिशर आ जाते हैं काम देने के लिए और काम लेकर चले जाते हैं, लेकिन मैं ज्यादा काम करता भी नहीं। क्यों? हमारे पीर साहब का हुक्म है। पीर साहब का हुक्म है काम नहीं करते हैं। क्या फजर से लेकर जोहर तक दुनिया का हर कारोबार करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वक्फा इसलिए रखा है, उसके बाद दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने मखलूक या खुदा की तरफ तवज्जो दो, वापस लौट आओ, उनका हाथ बटाओ। जी कब सॉर्ट फिनिश होती है दीदी? एक बजे ना? जहर बेटा नहीं, आजकल कोई ढाई बजे तक आज। तो इसके बाद बस फिनिश, ड्रॉप सीन, कुछ करना ही नहीं। यही तो मैं झगड़ रहा था इन पीर साहब से कि भाई इन लोगों को रहबानियत से निकाले, इन्हें दुनिया का मुकाबला करने दें, इस तरह गोशा नशीनी अख्तियार न करवाएं, इन लोगों को आगे बढ़ने दें। इस तरह इस्लाम में नहीं है, इस्लाम ये नहीं कहता गोशा नशीनी को, इस्लाम कहता है आगे बढ़ने को, मेहनत करने को। इस तरह नहीं है कि आप अपने अपने दीन में लग गए और दुनिया की परवाह नहीं, दीन के अंदर रहकर मुकाबला करें, मुकाबला हालात का करना चाहिए।
आप यहाँ ओवर टाइम नहीं लगाते? ओवर टाइम की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ कोई फुल टाइम नहीं लगाता, फुल टाइम काम नहीं करता, कोई आप ओवर टाइम की बात कर रहे हैं। छोड़िए छोड़िए पीर साहब, देखिए इन गरीबों को कोई ठीक सबक दीजिए, इन्हें आप सिखाइए कि इस्लाम क्या कहता है, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इन्हें इस्लाम में रहबानियत बिल्कुल मना है, दुनिया से अलग थलग होकर ब्यागी त्यागी मत बनाए इनको, इन्हें आप दीन की तालीम देनी है तो सही दीजिए, देखिए इन्हें बताइए कि दुनिया का मुकाबला किस तरह किया जा सकता है, कमाएं दुनिया कमाएं, खुदा को भी याद करें लेकिन दुनिया के अंदर रहकर, ये नहीं है कि बिल्कुल गोशा नशीन अख्तियार कर ली, आप भी जाइए जाइए बाहर, निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से और जाइए और अपनी अपनी वो मेहनत का सही सिला लीजिए, तुम जाकर अजीब लोग हैं, अजीब लोग, इतना अच्छा हुनर जानते और यहाँ पर देखिए देखिए इतने खूबसूरत हमारे मुसलमान जो काम कर सकते हैं, जाके बाहर अपनी सही मेहनत से सही जाने हासिल कर सकते हैं, इस तरह गोशा नशीन अख्तियार किया, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ला रहबानियत फी इस्लाम, इस तरह यहाँ बैठ रहने से जिंदगी नहीं गुजरती, इस्लाम के मनाफी हैं ये हरकतें, ये गोशा नशीनियां, ये बिल्कुल गलत है, यू बाहर की चोटियों पर जा बैठना या यू जाके कोनों में जाके इबादत करनी, नहीं, दुनिया में रह, दुनिया में रह कर ला रहबानियत फी इस्लाम, ला रहबानियत फी इस्लाम, ला रहबानियत फी कल बच्चे को लेते आना जरा, मैं देख लूंगा। फकीर जी। जी दुनिया बड़ी दुखी हो गई। हाँ भाई जी ने हो गई, हो गई है ना, आपके और मेरे करने से नहीं हुई, खुद ही हो गई, तो हम क्या करें भाई, उसका हुक्म होगा। ये जो अपने पोस्ट मास्टर साहब है ना, जुल्फी साहब, हाँ हाँ, उनके दुनिया खाने का बड़ा शौक है। क्या बीमारी है उनको? बीमारी कुछ नहीं है जी, पर ये जो इश्तिहार होते हैं ना रंग बिरंगे दवाइयों के, जो डाक में से निकलते हैं, वो उनको जरूर पढ़ते हैं, फिर मुझे आवाज देते हैं, जिन्हें जरा जाके पता करके आओ बिस्मिथ स्टोर पे ये ड्रग आई है कि नहीं आई। तो क्या तकलीफ है अपने पोस्टमास्टर साहब को? बहुत तकलीफ कुछ नहीं है, कुछ खराबी भी नहीं है, बस ये जो इश्तिहार होते हैं ना रंग बिरंगे, इनके जो रंग होते हैं ना लाल पीले नीले, ये इनमें जोश भर देते हैं। दुनिया बड़ी दुखी हो गई अभी। हाँ भाई ये साइंस के जोर पर दुखी हुई है क्या? साइंस के जोर पर क्यों दुखी हो गई? साइंस ने चीजें ज्यादा बना दी और पैसे कम कर दिए। साइंस ने नहीं की भाई, साइंस ना जानने वालों ने कर दी है दुनिया दुखी, नीम हकीमों ने, जो साइंस की अलिफ बे नहीं जानते और दावे करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी फैलाने के। ये जो अपने नीम हकीम है? अरे वो नीम हकीम नहीं भाई, साइंस के नीम हकीमों ने, जो मुल्कों में साइंस आम करने के प्लान बनाते हैं और खुद नहीं जानते कि साइंस क्या है। अच्छा ये क्या? देखो क्या है ये? इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। इतना बड़ा साइंसदान आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये तो मुझे कोई मोटा सा जाऊ चूहा लगता है। वो मलंग नहीं आए थे उस पे पार्वतन शरीफ के, उनमें सेक लग रहा है मुझे। हाँ घिने, ये दरअसल साइंस की दुनिया का मलंग है।
साइंस के लिए? हाँ। नाम क्या है इनका? नाम है इनका आइंस्टाइन, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या क्या जी, क्या नाम? आइंस्टाइन। तो बाबा स्टाइन लग रहा है जी, बिल्कुल संगल बाबा जो होता है वो। अब जरा सुनो आइंस्टाइन कहता क्या है। अच्छा, आइंस्टाइन कहता है कि हमारे दौर में साइंस ने कमाल की तरक्की की है और इस कमाल इंसानियत पर सारी दुनिया खुश है और हर इंसान का सर फखर से बुलंद है। लेकिन ये सारी साइंस, ये सारा इल्म, ये अजीम टेक्नोलॉजी उस वक्त तक इंसानों को खुशियों, मुसर्रतों और शादमानियों से हमकिनार नहीं कर सकेगी जब तक कि सारी इंसानियत मिलकर नबियों और रसूलों के अहकाम पर चलना शुरू नहीं कर देती। जब तक दुनिया वाले पैगंबरों को साइंसदानों और मूजिदों से ऊपर के दर्जे पर नहीं परखेंगे और दिल से उनकी इज्जत नहीं करेंगे, इंसानों को ना खुशी हासिल हो सकेगी ना आजादी। इस वक्त सारी इंसानियत पर जो एहसान हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, उनके मुकाबले में सारे साइंसदानों की सारी कोशिशें मिलकर एक जर्रे की हैसियत नहीं रखती। आइंस्टाइन कहता है कि मैं एक साइंसदान की हैसियत से ये समझता हूं कि अगर इंसानियत को हिफाजत से और सुकून से और इज्जत और वकार से और मुसर्रत और शादमानी से इस जमीन पर बसना है तो उसे पैगंबरों और नबियों के फरमान और अहकाम पर चलना ही पड़ेगा, वरना इंसान तरक्की नहीं कर सकेगा। दिखाना जी उसका फोटो। हाँ जी। चिल्ला काटा है जी उन्होंने, ये देखिए साफ शक्ल से लग रहा है, एक टांग पे खड़े होकर दरिया में काटते हैं ये चिल्ला, बिल्कुल बाबा स्टाइन लग रहा है जी, संगल वाला। बेगम साहिबा जिद्दी जाने लगी थी तो वो कह गई थी कि इस घर में कोई तीसरा घुसा तो वो एक मिनट में क्वार्टर खाली करा लेंगे। तीसरा तो आने वाला है ना? उसकी तो और बात है ना यूसुफ। तकवीयत कल के लिए एक सीट चीज है। ये सब
मरने से पहले इंसान की जबान बंद होती है कि आंखें? जो ना शुक्रिया होते हैं ना तेरे जैसे, उनकी खोपड़ी बंद होती है और बंद रहती है अमीना हमेशा। तुमने क्यों बंद कर रखा है ये सब बाकी के क्वार्टरों को? उनके मतलब का आदमी भी तुम्हें मिल रहा ना कोई, इसलिए इतनी बड़ी कोठी अकेली छोड़ रखी है, उसमें किसी को बसा ही नहीं। क्यों बसा ले, कोठी उनकी अपनी है, किसी और की तो नहीं है ना। आखिर इतनी बड़ी कोठी खाली पड़ी है, जाते जाते पीछे फिक्र तो होता ही होगा उन्हें। तुझे क्या उनकी फिक्र का? हाँ मुझे क्या यूसुफ, वो तुमने कपड़े धोने वाली माई से कहा है? कह दिया भाई, कह दिया है। वो वक्त पर पहुंच जाएगी दाई को लेकर, सब समझा दिया मैंने उसे। और अगर वक्त पर कोई ना मिला तो? कैसे ना मिला कोई, तो कोई इतना बड़ा शहर है, लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे, और फिर कदम कदम पर अस्पताल है यहाँ पर, कैसे ना मिलेगा कोई? नहीं, फर्ज करो यूसुफ, फर्ज करो अगर कोई ना मिला। अच्छा फर्ज कर लिया, फिर? और वक्त आ गया तो मेरी आपा मर गई थी ना, मैं भी मर जाऊंगी दम घुट कर। क्या करके? ऐसे अमीना, अमीना। हाँ 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 देखो, गांव छोड़ने से पहले क्या कहा था मैंने? यही कि बहुत बहुत मुश्किलें होंगी शहर में, फिर मुकाबला करना होगा, फिर लेकिन ये मुश्किल तो अपने साथ लाई हूँ गांव से, इसका मुकाबला कैसे करूंगी? मैंने इसका वादा तो नहीं किया यूसुफ, क्यों मैंने कहा था? देखो बच्चों गुनी की बातें नहीं करते, हकीम साहब की दुकान पे मुझे एक आदमी मिला था आज, बिल्कुल तेरे जैसा। यानी पागल? थोड़ा थोड़ा पागल, फैशी दीवाना। अब सो जाओ आराम से, आंखें बंद कर ले। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ भाई जी, ने आओ। हकीम जी, दुनिया बड़ी दुखी हो गई। हाँ भाई घीने हो गई है ना? लेकिन मेरी और आपकी वजह से नहीं, ना ताकती से, कमजोरी से। हाँ वो तो है, मैं तो ये कहता हूँ कि इन साहब के हर एक को ताकतवर होना चाहिए। हाँ। क्या मोहल्ला, क्या बस्ती, क्या शहर, हर एक को। हकीम जी, ये सुपर पावर क्या है? सुपर पावर भाई, इसी कुर्रा अर्ज पर एक नहीं दो हैं।
ये तो ठीक है कि वो हैं, लेकिन इनकी वो इनकी खूबी क्या है? सुपर पावर की खूबी ये है भाई कि वो कम से कम मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा इंसानों को हलाक करने की कुव्वत रखती है। क्या जी क्या जी क्या जी? यही कि सुपर पावर कम से कम मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मौत की नींद सुला सकती है, ये है सुपर पावर। ना जी ना ना, मैं तो आपसे उसकी खूबी पूछ रहा हूँ और आप मुझे उल्टी बात बता रहे हैं, खराबी। तो आप किसे कहते हैं सुपर पावर? मैं तो आज तक जो समझा सुपर पावर को, जो मैं समझा वो ये है कि बड़ी ताकत, ऊंचे दर्जे की आला ताकत को कहते हैं सुपर पावर। जैसे दास्तान अमीर हमजा में जादूगरों से निजात दिलाने वाली ताकत, जादू काटने वाली। तो फिर सुपर पावर उसे कहते हैं कीम साहब, जो अपनी ताकत के जोर पर, अपने इल्म के जोर पर, अपनी अकल के जोर पर एक दवाई बना के रखती है लोहे की बोतल में। लोहे की बोतल में? हाँ जी, अक्सीर है, तरियाक है वो। हाँ, और जो कोई 5-6 रोज का मरा हुआ मुर्दा उसके पास ले जाए जी, और वो उस बोतल में से एक कतरा निकाल कर उसके मुंह में टपकाए और मुर्दा अल्लाह का नाम लेके उठ के बैठ जाए, इसे कहते हैं सुपर पावर। और माँ जो है ना, वो हाथ उठा उठा कर सुपर पावर को दुआएं दे और बीवी शीस नवाती जाए सुपर पावर को। हाँ जी, सुपर पावर है वो, हमारी तरह जाहल गंवार तो नहीं है वो, तो जिंदगी ही देगी ना जी अपने इल्म के जोर से। और हम अनपढ़ मूर्ख, हम तो मारेंगे मखलूक खुदा को अपनी जहालत से। बात दरअसल ये है भाई जी, वालेकुम अस्सलाम। खमीरा गाँव जुबान। शुक्रिया। ये खाकर नहीं गया? फिर ले लेगा, घूम फिर के 8 घंटे के बाद आकर खा लेगा। ये कभी बोलता नहीं है आपका वैश्य दीवाना। बोलता है कभी कभार, 1-2 साल बाद फिर कफन ही फाड़ देता है। मुझे तो इस पर बड़ा तरस आता है अकीम साहब, लेकिन अब पता नहीं किसका चांद है मिट्टी में पड़ा हुआ, ढूल रहा है जी यहाँ घोर अंधेरे में। हकीम जी, दुनिया बड़ी दुखी हो गई है।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपको इस नोयत की मदद यहाँ मिल जाएगी? सर मैं काफी देर से मुख्तलिफ घरों के दरवाजे खटखटा चुका हूँ, आपका गेट खुला था तो मुझे यकीन हो गया कि यहाँ मुझे मदद मिल जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या नाम बताया आपने? गुलाम मोहम्मद यूसुफ रकम, खुशनवीस। यहाँ आने से पहले आप कहाँ थे? मुझे फरीदपुर में केलिया वाली का रहने वाला हूँ। वहाँ कुछ रोजी में कमी आ गई थी क्या? नहीं सर, रोजी कम नहीं थी, सिर्फ मुझे लगती थी, वहां मैं अपने आपको कुएं का मेहनत समझता था। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन भाई ये जो आपका मसला है ना, मैं आपका कोई इलाज नहीं कर सकता, बता आपको राय दे सकता हूँ कि आप अपनी बीवी को लेकर फौरन अस्पताल चले जाएं, वहां उसकी सेफ डिलीवरी होगी। सर इसीलिए तो आपके पास हाजिर हुआ हूँ, इस वक्त कोई टैक्सी रिक्शा मिल नहीं रहा, मैं घंटा भर चौक में खड़ा रहा, फिर गोल चक्कर के पास से भी हो आया हूँ। वेरी सैड, वेरी सैड। सर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि हमें करीब अस्पताल तक पहुंचा दीजिए, आगे मेरी किस्मत। जरूर पहुंचा देता, यकीन पहुंचा देता, लेकिन इस वक्त मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, मैनचेस्टर गार्डन के लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट है। सर वो मेरी बीवी इस वक्त बड़ी परेशान है, उसे ठंडे पसीने आ रहे हैं। लेकिन इसकी तुम्हें पहले फिक्र करके रखनी थी भाई, ये बड़ा शहर है, यहाँ अकेले के सरसों पर नहीं दबाई जा सकती, सब लोग मसरूफ हैं, अपने अपने कामों में बंधे हुए हैं, हर आदमी सर्कल कर रहा है, सर्कल कर रहा है। बताएं प्लीज। चिड़ी इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? मेरे दिल पर कुछ बोझ सा पड़ गया था, इसीलिए मैंने आपको वापस बुलाया। जी शुक्रिया। असल में ना जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है ना, उसका एक प्रोसीजर है, वो ये कि हर औरत को डिलीवरी से पूरे 2 माह पहले एक दरखास्त देनी पड़ती है। मैं ऐसी मदद के लिए तो नहीं आया दगन साहबा, मैं तो ये चाहता था कि कोई मेरी बीवी को अस्पताल तक पहुंचा दे। देखिए ना हम लोग भी क्या करें, अगर कायदा जाते ना हो ना तो लोग तो हमारी बोटियां तोड़ खाएं, कोई उन्हें जीने ही ना दे। ये तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए सिर्फ इतना ही चाह रहा था कि मेरी बीवी को कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। आप ऐसा करें, कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने कुछ पैकेट्स बना रखे हैं, उनमें बच्चों के कुछ कपड़े हैं, एक बेबी सोप है और 2 टॉवल्स हैं, मैं आपको सबसे पहले एक पैकेट दे दूंगी। जी बेहतर, आ जाऊंगा। देखें आपने माइंड तो नहीं किया, प्लीज सच सच बताएं। हरगिज़ नहीं। सुनिए इस वक्त हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है, और यू नो मेरा इस तरह गाड़ी चला के ले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता, आई एम सॉरी। एक ही शहर के आबाद लाखों गोशानशीनों, अपने इर्द गिर्द के लोगों से वाकिफ हो, अपनी अपनी जात से मोहब्बत करने वाले राहिबों, लोगों की जरूरत समझते हो, जद्दोजहद और स्ट्रगल के सन्यासियों, इसकी फिक्र है कि नहीं, इसकी बीवी को मरने से पहले मैटरनिटी वार्ड पहुंचा सकोगे? बाप शहरों के गोशा नशीनों, राहिबों, तरक्की के पुजारियों, इंसानों की दुनिया में आओ, इंसानों की दुनिया में आओ, लोगों से बात करो, हम से मुलाकात करो, बंदरों से बात करो। Ha 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 ha
तो कोई हड़ताल है यहाँ आज टैक्सी वालों की? हड़ताल का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन दो घंटे से मैं रिक्शा टैक्सी की तलाश में खड़ा मिल नहीं रहा सर। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इस बात का यकीन कर लूं? चलो कर लूंगा मैं तो, लेकिन 35 लाख की आबादी है यहाँ, जाकर किसी को भी बाहर पूछो, अगर कोई एक आदमी भी इस बात का यकीन कर ले कि रात के 2 बजे यहाँ टैक्सी नहीं मिलती तो मैं तुम्हें 1000 रुपए इनाम दूंगा। सर मैं सच कह रहा हूँ, पिछले 2 घंटे। हाँ तुम सच कह रहे हो, तुम सच कह रहे हो, ये तुम्हारा तजुर्बा भी होगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ उस बात का यकीन किया जाता है जो इंसान के अपने तजुर्बे में आई हो। तो तुम मेरा ख्याल ये रब इतने पैसों में काम चल जाना चाहिए तुम्हारा। नहीं सर मुझे पैसे नहीं चाहिए सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। सर मुझे 10-15 मिनट के लिए आपकी गाड़ी चाहिए सर। कैसे आदमी हो तुम? वो अगर आप सर मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दें या कोई औरत मेरे घर चली जाए सर, वो बीवी मेरी सर वो डर रही है बीवी तुम्हारी? नहीं गांव के लोग, गांव की औरतें हमें इतना बड़ी ब्रेम होती, इन्हें तो सरकंडों से आंगल काट के टोकरी में रखती है और घर को चल पड़ती। सर ऐसा होता है लेकिन इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। तुम मदद कर तो रहा हूँ, ये कर तो रहा हूँ, तुम तो खुद कबूल नहीं करते हो। मैं ऊपर से फलसफा जा रहा, क्या 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 चाहते हो आखिर तुम, क्या चाहते हो? मेहरबानी सर, शुक्रिया। ये वेलकम, ये वेलकम। ये राहिब लोग हैं यूसुफ रकम, इन्होंने मखलूक खुदा को छोड़ दिया है, ये अपनी अपनी दिलचस्पी और अपनी अपनी गरज के खानों में रहते हैं। ये तुमको 200 रुपए दे देंगे लेकिन तुमको अपना वक्त अपनी तवज्जो नहीं दे सकेंगे, ये तुम पर दुख भरा मजमून जरूर लिखते हैं लेकिन तुम्हारे करीब बैठकर तुम्हारा दुख कभी न बांट सकेंगे। इन दोषनशीनों से, इन राहिबों से क्या मांगते हो? इनको छोड़ दो, इनको तंग न कर, इनको अपने हाल में मगन रहने दो, इनको खुश रहने दो, इनको आबाद रहने दो, आबाद रहने दो। गल सुनो खैर है, सवेर दे 10-12 बारी इधर से इधर उधर से इधर जा रहे हो। मैं बहुत परेशान हूँ जी, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है। बेटा बड़ी खुशी वाली गल है जी। जी घर पर हम दोनों के सिवा कोई नहीं है, कोई सवारी मिल नहीं रही। हाँ ये परेशानी वाली बात है, देखो ना जी कोई सियानी बयानी, कोई मासी फूफी, कोई सियानी जनानी घर में मौजूद हो फिक्र नहीं होंदा। तू इसका पढ़े लिखे जे सियाने बयाने जे मिलद्रो कुड़े मरिया झाड़ू छोड़ दो इतने मेरे को, बाऊ घरों के नाल चली जाओ अपनी चाची के कोल। पर किथे चाचा नूरिया? मैं तेन दसन तो दिया अपनी चाची को चलिया जाओ, तो उन्हें कहना पे मूदा नू कनीज नू नीदा नू नाल लैके ना ते बाऊ होरा दे घर चलिया जा, इन्हां दे घर रब दा करम होण वाला, बच्ची बच्चा होण वाला। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। बड़ी मेहरबानी जी। ओ जी मेहरबानी तो उस रब सके जी जिन्हें काका देना
बच्चे ने दादे से घर बूटा लाना बाबू जी खोल दे दरवाजे खोल दे ते बाबू होना दे घर काका दे दे ते नूर दीन माशकी नू मिठे चाल खवा दे गोड़ा ने Thank you.